यहाँ से देखिए, 7 6 5 4 3 2 1 0। 22 जुलाई 2019 के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। 15 जुलाई को तकनीकी खराबी के कारण जिस चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग के लिए रोक देना पड़ा था, उसे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने 22 जुलाई की दोपहर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 2 के लॉन्च होते ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चांद की डार्क साइड की तरफ लैंड करके चंद्रयान 2 भारत चीन के बाद वो दूसरा देश बन जाएगा जो चांद की दूसरी तरफ को स्टडी कर पाएगा। दोस्तों, ये मिशन कोई मामूली मिशन नहीं था। इसी मिशन से जुड़े कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जानकर हैरानी होगी, लेकर आज हाजिर हैं हम। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। फैक्ट्स अबाउट चंद्रयान 2। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो अपना चंद्रयान 2 मिशन 2013 में ही रशियन लैंडर और रोवर की सहायता से लॉन्च करने वाला था, लेकिन 2011 में रशिया ने लैंडर और रोवर देने से मना कर दिया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने खुद इस लॉन्चिंग मशीन को डेवलप करने का फैसला लिया और इसी वजह से चंद्रयान 2 मिशन को करीब 6 साल की देरी से लॉन्च किया गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको ये जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 2 मिशन का बजट हॉलीवुड मूवी अवेंजर्स एंडगेम से भी काफी कम है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक और जहां चंद्रयान 2 की कुल लागत 972 करोड़ रुपए है, वही हॉलीवुड मूवी अवेंजर्स एंडगेम को बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। फैक्ट नंबर 3, इसरो के इस मिशन की सफलता के बाद भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। दरअसल भारत के अलावा अभी तक अमेरिका, रशिया और चाइना ही किसी भी तरह का मिशन चांद पर भेजने पर सफल रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, इसरो की योजना चंद्रयान 2 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करवाने की है। चंद्रयान 2 के साउथ पोल पर लैंड करते ही भारत साउथ पोल पर कोई भी मिशन भेजने वाला पहला ऐसा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी दूसरे देश ने अभी तक वहां पैर नहीं रखा है। फैक्ट नंबर 5, कहने को तो चंद्रयान 2 सैटेलाइट पूरी तरह भारत में डेवलप किया गया है, फिर भी इसमें लैंडिंग के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 6, चंद्रयान 2 अब तक का चांद पर भेजे जाने वाला पहला ऐसा मिशन है जिसमें मून की सतह के अध्ययन के लिए 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी सहायता से इसरो के वैज्ञानिक साउथ पोल रीजन के एलिमेंटल कंपोजिशन और सिस्मिक एक्टिविटी का बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 7, चंद्रयान 2 को जिस GSLV-MK2 लॉन्चिंग मशीन से लॉन्च किया गया है, शुरुआत में उसका निकनेम फैट बॉय रखा गया था, लेकिन तमिल मूवी बाहुबली के पॉपुलर होने के बाद GSLV-MK2 का निकनेम बदलकर बाहुबली कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, चंद्रमा के साउथ को डार्क साइड ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करवाया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा छाया में रहता है। इस वजह से इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की संभावना है। फैक्ट नंबर 9, मून की सतह के अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 के साथ एक लैंडर भी भेजा गया है, जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है, जबकि दूसरे लैंडर का नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंस। फैक्ट नंबर 10, चंद्रयान 2 यान अपने आप में बहुत खास है। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल है। इस यान का वजन 3,800 किलो है। इसका पूरा खर्च 603 करोड़ रुपए आया है। चंद्रयान में कुल 13 पेलोड है। इसमें भारत के 5, यूरोप के 3, अमेरिका के 2 और बुल्गारिया का 1 पेलोड शामिल है। फैक्ट नंबर 11, चंद्रयान 1 में भारत ने हार्ड लैंडिंग या फिर क्रैश लैंडिंग कराई थी, जबकि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दुनिया में अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। चंद्रयान 2 सफल रहने के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में पेलोड तबाह नहीं होता, जबकि हार्ड लैंडिंग इसका उलट है। फैक्ट नंबर 12, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्लेनेटरी मिशन को महिलाओं की देखरेख में लॉन्च किया गया है। डेटा हैंडलिंग की विशेषज्ञ एम वनीता को इस मिशन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था, जबकि ऋतु करीदाल को इसका मिशन डायरेक्टर बनाया गया। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 के मिशन में करीब 30% महिलाओं ने कमान संभाल रखी है। फैक्ट नंबर 13, और दोस्तों जाते जाते आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 लॉन्चिंग के 45 दिन बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद साथ में गए 2 लैंडर और रोवर चांद की सतह का अध्ययन करके
इसरो को तस्वीर भेजेंगे। विक्रम लैंडर चंद्रमा की झीलों को मापेगा और अन्य चीजों के अलावा लूनर क्रस्ट की खुदाई भी करेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान चांद की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण करेगा। रोवर के लिए पावर की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इसे सोलर पावर उपकरणों से लैस किया गया है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अगर बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको फैक्टिफाई करने हम फिर जल्दी आएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।